आसमान उड़ जाएगा वो चीज़ उड़ जाएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं गेड़ी मारने, कोई काम नहीं आज हमारे, कुछ नहीं है इसी जगह में। ना हमने ग्लव्स पहने, ना राइडिंग जैकेट पहनी, राइडिंग बूट्स पहने। और मैं आज थोड़ा बहुत दिनों बाद बाइक चला रहा हूँ, तो मैं टेस्ट करने के लिए आया था। मैं ये चेक करने आया था कि मेरा जो GoPro का माइक सेटअप मैंने थोड़ा चेंज किया है, तो वो ठीक चल रहा है नहीं चल रहा। लेट्स सी, वैसे यार बिल्कुल ठीक ही चलना चाहिए, ख़राब क्या होगा वैसे। थोड़ा बहुत बल्कि अच्छा हो गया, इम्प्रूव हो गया, क्योंकि जो मेरी ब्रीदिंग नॉइस थी, जो मैं सांस लेता था, वो शायद अब नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैंने माइक काफ़ी पीछे कर दिया अपने माउथ से, तो अब नहीं आनी चाहिए वैसे। बाकी अपनी बिल्लो रानी को चलाने के बाद अलग ही सुकून मिलता है भाई, चाहे इसको दो दिन बाद चलाओ, एक घंटे बाद चलाओ, चाहे आपने 500 किलोमीटर की राइड क्यों ना करी हो, एक घंटे बाद भी चलाओगे तो आपको वही फील आएगी कि यार क्या चीज़ है। भाई कुछ लोग बहुत ढीठ होते हैं, मतलब मैं डिपर मारो बंदे को, बंदा हाई बीम से नहीं हटा रहा। बट रिएक्शंस देख के मज़ा आ रहा था भाई, लोग ऐसे देखते पता नहीं क्या जा रहा है। और जबकि मैंने ना कोई रेव किया, ना मैं तेज़ चला रहा, मैं नॉर्मली अपना क्रूज़ कर रहा हूँ 20-30 पे। एक तो GoPro के चक्कर में ना काफ़ी लोग देखते ही लगा क्या है, मतलब हेलमेट पे माउंट क्या हुआ हुआ है, कुछ क्या है, मतलब क्या लगाया बंदे ने इतना बड़ा, वैसे हेलमेट इतना भारी लोग लगाते नहीं है, ऊपर से मैंने ये लगाया हुआ इतना हैवी, मतलब मैंने क्या सारे यूट्यूबर्स ने लगाया हुआ है, तो सोचते बंदे यार क्या है ऐसा। यार सीधे टेफलॉन करवाऊंगा या 3M करवाऊंगा, इस पर हर दो दिन में गंदी हो जाती है। अभी परसों साफ़ किया था, पूरी चमकाई थी अच्छे से भाई, दो घंटे लगा के, और अब ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कब से मैंने इसको साफ़ नहीं करा। बिल्लो रानी का ऐसा नहीं होने दूँगा। चलो कुछ होता है तो बताता हूँ आपको, हेलमेट पे खड़ोगे आप भी क्या देखोगे। हाई रिक्शा वाला ऐसे देख रहा है जैसे पता नहीं मैंने इसका क्या कर दिया हो, है भाई क्या हो गया यार। हेलमेट की ये भी चीज़ है, ये अपने में बोलता रहा, दूसरे को कुछ सुना नहीं देगी जब तक आपका वायदा डाउन है। पूछ रहा है क्या मेरे से कुछ? नहीं वैसे नहीं पूछ रहा। ऐसे देख रहे जैसे मैं रेस करने जा रहा हूँ कोई। विंड नॉइस का पता लगेगा भाई ऐसे ही। ना जाने के लिए एक नॉर्मल हेलमेट भी लेना पड़ेगा यार, बहुत टाइट है बिल्कुल, मतलब गाल काटता है आपके। अगर आपका देखो, अगर आपका हेलमेट गाल नहीं काट रहा ना, तो मतलब इस मतलब आपके हेलमेट हाईवे के कंपैटिबल नहीं है। मतलब इतना टाइट होना चाहिए कि मतलब आप जितना मर्जी अपनी मुंडी हिला लो, वो हटना नहीं चाहिए अपनी जगह से, क्या हाई स्पीड पर वो हिले ना बिल्कुल भी। ये तो कुछ लोग क्या करते, थोड़ा ढीला ले लेते हैं, आप कम्फर्ट लेवल पूरा देखते हैं, एंड उसके बाद क्या होता है, वो हाईवे पर कहते हैं भैया 120 पे जा रहा हूँ, 150 पे जा रहा हूँ, मेरा हेलमेट ऊपर जा रहा है या मतलब हिल रहा है अपनी जगह से। मैंने कहा भैया जब कंफर्ट देख लो या फिर सेफ्टी देख लो अपनी, क्या कह सकते हो। एक तो इस रोड पे इतना जाम रहता है ना, पता नहीं क्यों सारा इंटरसेक्शन यही मिलता है, और पर हमारे को जाना भी सही है, हम भी ठीक है भाई। हीटिंग इशू भाई बहुत होता है यार, स्पेशली 1 लीटर की बाइक्स में तो बहुत ज़्यादा होता है।
बाइक का टॉर्क अच्छा हो ना तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है शिफ्टिंग करने की। मैं मानता हूँ क्लच प्लेट पे थोड़ा फ़र्क पड़ता है, बट वो तब पड़ता है जब आप बिलो 30 और आपने 6 गियर लगाया हुआ, आपकी बाइक स्टॉल मार रही हो, तब फ़र्क पड़ता है। अब आप इतने में क्रूज़ कर रहे हो, आपकी बाइक पे कोई प्रेशर नहीं, जैसे कि थोड़ा डिक्लाइन रोड वे है थोड़ा, तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर मैं इसको 30 पर ले जाके 6 पे खींच रहा हूँ तो बहुत फ़र्क पड़ता है। RPM देख लिया करो गाइस, अगर कोई आपकी बाइक स्टॉल मार रही हो या कुछ हो रही हो तो मतलब समझ जाओ कि आपको शिफ्ट करने की ज़रूरत है, आपको नीचे शिफ्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी बाइक स्टॉल मार देगी, आपकी क्लच प्लेट पे फ़र्क पड़ेगा। अब ये तो है नहीं, मैं 20 पर चला रहा हूँ और मैंने छोटा गियर लगा, वैसी बात है भाई, बाइक है, बाइक या गाड़ी भी हो, इतने नहीं सहन कर पाती भाई कि आप 6 गियर पे चला रहे हो 20-30 पे, एवरेज बन जाएगी भाई, ऐसे नहीं बनती भाई। एवरेज तब बनती है जब आपकी एक एवरेज स्पीड मेंटेन्ड हो। और पहली बात, इन बाइक्स पे आप एवरेज एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो। मैक्सिमम अगर आपके 20 भी देते ना, 15-20, मेरे देखो 15 दे रही है, अभी 17 दिखा रही है क्योंकि मैं हाईवे पे गया था लास्ट संडे राइड को, बट अगर ये नहीं गया होता तो ये 15 से ऊपर नहीं दे रही है, 15-16 से ऊपर। और जो ZX10R टाइप हो गई बाइक, जो प्रॉपर 1 लीटर बाइक है, उनकी भाई एवरेज 11-12 दे देना बहुत बड़ी बात है। भगवान को प्रे करो भाई उससे कम ना हो, 12 दे रही है 1 लीटर के हिसाब से, वो ठीक है। चल भाई ओके, बन के तेरी स्नैप, चल ठीक है ओके। अंकल जी डर क्यों? बिल्कुल बिल्कुल चाचा, ऐसी तो चलाते हैं, कहीं भी मोड़ दो, कोई फुर्ती मार दो भाई रुक जाएगा। चलो भाई, हम आ गए बाइक फैक्ट्री जहाँ से हम इसका जन्म हुआ था, जन्म तो वैसे कावासाकी से हुआ था, बट ये तो बंद हो गई शायद, नहीं खुली हुई है, खुली हुई है। कैसे भैया, कैसे हो? बढ़िया, रॉबिन भी है? ठीक है फिर, चलो मैं भी आऊँगा। रॉबिन भैया कैसे हो? बढ़िया, मैं कह रहा हूँ करवा दो काम, हुआ कुछ चाबी का? चाबी थी ना एक्स्ट्रा, कहाँ दी है? कोई बात नहीं, मैं तो पूछने आया था कि मैंने अभी हो जाए तो चाबी और नंबर प्लेट। हाँ ये चलती आ रही है तो अच्छा, शर्म आ रही है लोगों को। तो भाई सीन ऐसा है, रॉबिन भैया को आ गई शर्म, कह रहा भाई रिकॉर्डिंग बंद कर दो, मेरे को शर्म आती है। चलो भाई कोई बात नहीं, सबकी अपना अपना है। भाई शर्म आती है तो आती है, क्या कह सकते हैं। अब आ रहा है मेरे भाई का फ़ोन, अब चलते हैं घर, जितना शूट होना था हो गया, जितना चेक करना था हो गया, अच्छा लगेगा तो डाल लूँगा, नहीं तो ये मेरे पास मेरी मेमोरीज में सेव हो जाएगा। टन 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 गाड़ी नहीं, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। टा 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 टा
एक्चुअली मैं गया ऐसे था, मेरे को जो इसकी स्पेयर कीज़ होती है डुप्लीकेट की होती है दो मिलती है बाइक के साथ, मैंने सिर्फ अभी तक एक ली है, तो दूसरी रॉबिन भैया ने कहा था ले लेना अगले दिन, मैं फिर मेरे को टाइम नहीं मिला, तो अब मैं लेने गया था, रॉबिन भैया कह रहे सुबह आ जाना आप, अभी तो बंद हो गया एक तरीके से, मैं कहा ठीक है कोई बात निकल आ जाएंगे। स्पेयर कीज़ होनी ज़रूरी है यार, नहीं तो भाई खड़े रह जाओगे अगर खो गई तो। टन टन हट आ रहे बाबूजी कहाँ रहे हो, ऐसे नहीं करते। एक तो इनको टर्न लेने में इतनी मुश्किल होती है, भाई मेरा फोन उड़ जाएगा उस चीज के डर है। दिक्कत नहीं है, देखो जब ऐसी खाली स्ट्रेच मिले तो कोई ड्रैग में कोई दिक्कत तो होगी नहीं, क्या मुझे भरोसा नहीं था ये राइड ले, देखा राइड ले रही है इसलिए मैंने पहले धीरे कर ली, भाई मार देती पीछे से, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था लड़की को, बट मुझे लग रहा था इंट्यूशन हो रही थी कि हाँ ये बंदा ये बंदी जो भी है ये कर सकता है कांड मेरा। चलो भैया आप साथ छोड़ दो मेरा, मेरे को घर जान दो। भाई शीशा तो खोलो एटलीस्ट यार, कहीं भी मोड़ रहे हो इंडिकेटर देने से थोड़ी ना होता है, लेफ्ट खोलो राइट नहीं खोला हुआ। चाल हो रे क्या हो गया भाई, ऐसे मत कर यार।